गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSTC फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स टीचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम अध्ययन कर रहे थे उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में हमने अध्ययन किया कि शिक्षण कार्य में करते समय कौन कौन से गोल्स और एम्स डिसाइड किए जाते हैं और उन और जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। एम्स और गोल पूरे एक व्यापक तौर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करना हो तो हम उद्देश्य डिसाइड करते हैं, और एक पाठ योजना का अध्ययन करना हो या पाठ योजना को लेकर चलना होता हम ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं। उसके आधार पर हमने जो उद्देश्य डिसाइड किए शिक्षण के लिए, वह चेक करने के लिए कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हुई है ना हुई है, कैसे चेक करेंगे? बालक के व्यवहारगत परिवर्तन द्वारा, वांछित या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन द्वारा। वो परिवर्तन कैसे कैसे बालक में दिखते हैं, किन किन आधार पर दिखते हैं, और कैसे उनकी उनके आधार पर हम उनको ज्ञात करते हैं। तो जिसमें हमने सर्वप्रथम पढ़ा था ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य। ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य डिसाइड करेंगे ज्ञान के आधार पर कि बच्चा किसी चीज़ को देखकर उसके तथ्य, गणित में संकेत, शब्द, प्रणाली, परिभाषा आदि का ज्ञान प्राप्त करेगा, उनको स्मरण में लाएगा, पुनः स्मरण करेगा। जैसे पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, उसने कुछ भी टॉपिक संख्याओं के बारे में, फिर अगली कक्षा में वो पढ़ेगा संख्याओं के जोड़ के बारे में, गुणा के बारे में। तो इन सभी का वो पुनः स्मरण करना सीख जाएगा, फिर नए तथ्यों के उन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करेगा और ज्ञान को स्टोरेज करेगा, मतलब स्मरण में रखेगा कि अच्छा ये ज्ञान है। ठीक है, आज हमारा नया उद्देश्य है अवबोधात्मक उद्देश्य। ठीक है, अवबोध पहले हो गया ज्ञान, फिर आता है अवबोध। अवबोधात्मक उद्देश्य किस लिए दिया जाता है? इसका मुख्य प्राप्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम किस लिए इस उद्देश्य को डिसाइड करते हैं, मतलब गणित की संख्या, संकेतों, प्रत्यय, नियमों को परिभाषाओं में अंतर करना, तुलना करना, तथ्य व आकृतियों का वर्गीकरण, संबंधित प्रक्रियाओं तथा विधियों का वर्णन करना। तो इन सभी चीज़ों का हम वर्णन करना सीखते हैं, परिभाषाओं में अंतर करना सीखते हैं, तुलना करना सीखते हैं और संकेतों का वर्गीकरण सीखते हैं। मतलब हर चीज़ में जिसमें बच्चे का पूरा स्किल्स या पूरा मानसिक अवबोध प्राप्त होता है, वो सारी प्रक्रिया इसमें शामिल थी। अवबोध का मतलब होता है जानना, उसके बारे में डिस्कस करना, उसकी आंतरिक बातों को ध्यान में देना, उसके आसपास की सभी वस्तुओं को ध्यान में देना, तुलना करना, उसकी वर्गीकरण करना, उनको अलग अलग भागों में बांटना, ये सारे अवबोध से होते हैं, हमारे खुद के नॉलेज से, एक्ट ऑफ नॉलेज से। ठीक है, तो इन इन चीज़ों का वर्गीकरण करना हम गणित में अवबोध के माध्यम से उद्देश्य डिसाइड करते हैं, फिर सीखते हैं। ठीक है, अब प्राप्य उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करेंगे, किस बेस पे करेंगे और कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होता है कि बालक ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात ज्ञान से संबंधित बातों का अर्थ समझना चालू करते हैं। पहले तो ज्ञान हो गया, ठीक है, जैसे कि लाभ हानि के फॉर्मूले, लाभ हानि, लाभ और हानि की परिभाषा हो गई। फिर क्या करेगा, इसको अब अप्लाई कैसे करें, ठीक है, उसका अर्थ समझेगा। जैसे क्रम मूल्य का अर्थ क्या होता है कि जो वस्तु खरीदते हैं उस वो मूल्य क्रम सॉरी जिस वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्रम मूल्य कहलाता है। तो ये परिभाषा को समझना चालू करेगा कि अच्छा कोई वस्तु बेचते हैं तो वो क्रम मूल्य कहलाएगा, जो वस्तु खरीदते हैं वो क्रम मूल्य और जो वस्तु बेचते हैं वो विक्रम मूल्य, फिर उनका लाभ और हानि का डिसाइड करेगा। तो इस तरह वो ज्ञान का बातों का अर्थ समझना शुरू कर देता है। फिर दूसरा है गणितीय संख्याओं में भेद करना या तुलना करना, जैसे कोई भी भिन्न है, मिश्र भिन्न हुआ, अंश और हर में भेद करना, लाभ और हानि में भेद करना, समानुपात अनुपात में भेद करना, इन सभी चीज़ों को वह देखना और सीखना प्रारंभ कर देता है। अगला है विभिन्न संकेतों, नियमों और परिभाषाओं में अंतर व तुलना कर सकता है। ठीक है, नियम और संकेत इन सब में तुलना करना सीख जाएगा, एक तुलनात्मक अध्ययन करना सीखता है इसका मतलब। ठीक है, परस्पर संबंध स्थापित करेगा कि आपस में क्या संबंधित है, नए फॉर्मूला पुराना फॉर्मूला से कैसे संबंधित रहता है। ठीक है, निष्कर्षों का सही अनुमान लगा सकेगा, अगर उसे अवबोध है तो वो निष्कर्षों का सही अनुमान लगा सकता है। ठीक है, व्यवस्थित करना सीख जाएगा, क्रमबद्ध सूची बना सकता है, फिर त्रुटियों को ढूंढकर उसमें सुधार भी कर सकता है, फिर शब्दों में व्यक्त सभी प्रतीकों को
अंकों में लिख सकता है, शब्दों में लिख सकता है, ये सारी प्रक्रिया आसानी से कर सकता है। ठीक है, व्यक्त संबंधों को शब्दों में भी प्रकट कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी लिख दो, जैसे व्यक्त संकेत है, जैसे ये संकेत है 9 5। ठीक है, इसका इस संकेत का वो शब्दों में लिख सकता है कि 9 5। ठीक है, ठीक है। अब उदाहरण जैसे कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने आप में डेवलप करना सीख जाता है। ठीक है, दशमलव भिन्न को अंकों में बदलना सीख जाता है, स्थानीय मान के तुलना करना सीख जाता है, समय दूरी के प्रत्यय पर आधारित उदाहरण दे सकता है। इन सभी चीज़ों को वह अवबोधात्मक उद्देश्य से प्राप्ति हमें हो सकती है अगर बालक में वह चीज़ वर्ग परिवर्तन के रूप में दर्शाई जाए। ठीक है, अगला है, परिवर्तन और उद्देश्य कौशल के आधार पर, कौशल मतलब क्रिएटिविटी या एप्लीकेशन, कौशल के आधार पर। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आएगी कि कैसे हम बताएंगे कि कौशल के आधार पर कैसे डिसाइड करें, तो इसमें आएगा कि गणना करने की निपुणता पैदा होगी। ठीक है, एक कौशल विकसित हुआ, गिनती करना भी, गणना करना, किसी भी चीज़ को गिनना एक कौशल है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बालकों में ये गिनती करने की एबिलिटी बहुत फास्ट होती है, वो जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कुछ बच्चे धीमी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये एक कौशल है। ठीक है, एक एबिलिटी है। ठीक है, रेखा चित्र में निपुणता, रेखागणित तो पूरी कौशलात्मक एक गणित है, उसमें अगर कौशल नहीं है तो वो गणित भी विकसित नहीं हो सकती। ठीक है, ज्यामिति आकृति खींचना, ज्यामिति आकृति बनाना फटाफट, कोई डायग्राम बना देना, कोई चित्र बना देना, गण कैलकुलेशन फास्ट कर देना गणित में, ये सारी कौशलात्मक कार्य कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या वांछित गुण इसमें परिवर्तन हमें बालकों में देखे जा सकते हैं कि हम इन कौशलों को, उद्देश्यों को लेकर चले तो बालक किन किन व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाएगा। तो पहला है, बालक लिखित व मौखिक रूप से गणना सही करना सीख जाए। ठीक है, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। फिर रेखा गणित की आकृतियों को सही व स्वच्छता से खींच पाएगा। ठीक है, जैसे प्रकार से हम वो बनाते थे, सर्कल बनाते थे, फिर रेखागण बनाते थे, इन सभी चीज़ों को वो विकसित हो जाएगा। भिन्न भिन्न आकृतियों खींचने में यंत्रों का उपयोग भी करना सीखेगा, जैसे रेखागण खींचते समय स्केल्स का काम लेते हैं, कोण बनाते समय चांदे का काम लेते हैं। ठीक है, वृत्त बनाते समय प्रकार का काम लेते हैं, तो इन सभी उपकरणों का भी वो यूज़ करना सीख जाता है कि हाँ हमें वो किस आकृति के लिए क्या चीज़ यूज़ में लेनी है। ठीक है, विभिन्न तालिकाओं और का उचित प्रयोग कर सकता है, तालिका बना सकता है, टेबल फॉर्म में जो भी निर्माण करना है, डाटा डालना है, वो सारा सीखेगा। गणितीय कठिन समस्या को भी हल हो सकता है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण और प्रयोग में दक्षता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री है उनके में उसमें भी उसको दक्षता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और समस्या तथा आंकड़ों को गणितीय भाषा सूत्र आकृति में परिवर्तन कर सकता है, जो गणितीय भाषा है सूत्र है उनको आंकड़ों में और आंकड़ों को वापस भाषा में लैंग्वेज में कन्वर्ट करना भी सीख जाता है। ठीक है, तो ये कौशल के रूप में विकसित एक उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चा अपने मेंटल एबिलिटी के अनुसार कौशल विकसित करके गणित को पढ़ सकता है, लिख सकता है और गणित में अलग अलग क्रिया कर सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसके और भी उद्देश्य जैसे अभिरुचि से रिलेटेड उद्देश्य, ज्ञान उपयोग कैसे हो सकता है, मैथमेटिक्स में अभिवृद्धि कैसे हो सकते हैं, और भी प्राप्य उद्देश्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी उद्देश्यों को हम अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।